हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। इससे जो पहले मेरा पिछला ब्लॉग था सोन पहाड़ी मंदिर को लेकर, उसमें मेरा 1K+ व्यू आ गया है। वो सब आप सभी का प्यार है। अगर आप लोग अगर हमको प्यार ना दे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और हम इसी तरह से आप लोग को अच्छा से अच्छा ब्लॉग्स देते रहेंगे। आज आने वाले हैं हरिहर धाम, जो कि ये भी है यहाँ हमारे यहाँ झारखंड में ही। हम जाते हैं आज हरिहर धाम और वहाँ का क्या खास है नहीं है वो बताते हैं। इससे पहले हम गूगल में सर्च किए हैं तो वहाँ मंदिर के बारे में बताया गया है कि 25 एकड़ में वो फैला हुआ है मंदिर, बट वो तो हमको लगता नहीं है कि 25 एकड़ में फैला है ना क्या। और आप लोग को दिखाएंगे क्या वो 25 एकड़ मंदिर फैला है या नहीं, कि वहाँ का जो शिवलिंग है वो 60 फीट हाइट है। तो गाइस, ये भी हमको भरोसा नहीं हो रहा है, पर हम जाते हैं वहाँ और इसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे और वहाँ का भी दिखाएंगे लाइव लोकेशन, क्या वो 60 फीट हाइट है या नहीं। ज़्यादा ना टाइम लेते हुए वीडियो में आगे चलते हैं। और गाइस, मेरा चैनल में अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। टाइम बहुत हो रहा है और हमको जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप लोग को दिखाना। तो मैं बहुत खुशी हूँ कि इतना बड़ा मंदिर है जो 25 एकड़ फैला हुआ है, 60 फीट का शिवलिंग है। हम भी चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी आप सभी को दिखाएं और आप लोग भी सोचते हैं कि जल्दी वीडियो में वो मंदिर दिखाएं। तो गाइस, ज़्यादा ना टाइम लेते चलो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। फाइनली गाइस, हम लोग हरिहर धाम पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग गेट के एकदम बिल्कुल सामने खड़ा है। देख सकते हैं गेट के सामने एकदम बिल्कुल खड़ा है। अभी हम लोग गेट के अंदर जाएंगे और अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। वैसे हम लोग तो पूजा पाठ तो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग खाना पीना खा पी के आए हैं तो पूजा नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग जब भी आइएगा तो ज़रूर आप लोग पूजा कर लीजिएगा, हम लोग से खा पी के मत आइएगा। हम तो राक्षस आदमी हैं, केवल आप लोग को दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग कंटिन्यू वीडियो बने रहिएगा। जैसे कि आप वीडियो में जो वो पुल देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे पुल है। बस आपको हाईवे रोड पकड़ना है और आपको एकदम डायरेक्ट आ जाना है और सामने में वो मैरिज हॉल दिख रहा है आपको वाइट, बस उसके 500 मीटर दूरी में ही, नहीं सॉरी 500 मीटर नहीं होगा, 50 मीटर दूरी होगा। 50 मीटर दूरी में ये पिचीसी रोड है और ये रोड से ही आपको आना है डायरेक्ट। ये देख रहे हैं खाली जगह, यहाँ पर आप कार बाइक पार्किंग कर सकते हैं और उसके जस्ट सामने में ही ये हरिहर धाम का गेट लगा हुआ है और बगल में फल फूल प्रसाद का दुकान लगा हुआ है। तो अगर आप पूजा करेंगे तो यहीं से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और जैसे हम लोग जैसे अगर घूमने आएंगे तो ज़रूरी नहीं है, बस आप ऐसे घूम फिर के जा सकते हैं। वैसे हम लोग अभी अंदर जाएंगे और अंदर का दृश्य क्या है वो सभी को दिखाएंगे भी अच्छा से। तो गाइस, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। ये क्या है भाई साहब, अब हम लोग का तो वाट लग गया यार। यहाँ साफ साफ बोर्ड पे लिखा है कैमरा लेकर प्रवेश निषेध है, यानी कि कैमरा मोबाइल हम लोग का अलाउ नहीं है अंदर। तो यार, हम लोग वीडियो कैसे बनाएंगे? तो गाइस, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग यहाँ का जो पुजारी है पंडित या यहाँ का जो भी कर्मचारी हैं वो सबसे बात करते हैं और आगे वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। भोलेनाथ जी का लाख लाख शुक्र है भाई साहब कि हम लोग को वीडियो बनाने का परमिशन मिल चुका है। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, उसमें आवश्यक सूचना दिया गया है, बाल विवाह सख्त मना है
गैस ये मंदिर स्पेशल है ब्याह शादी के लिए, देख सकते हैं बोर्ड में आप साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यहाँ का रूल्स रेगुलेशन सब देख ले पढ़ ले। और गैस ये बोर्ड के नीचे जो ग्रिल दिख रहा है खिड़की, यहीं पे मंदिर कमेटी के मेंबर आए थे और हम लोग से बातचीत किए वीडियो के लिए। बट गैस हम लोग बोले कि आप लोग भी वीडियो में आ जाइए, पर वो सब मना कर दिए कि नहीं हम लोग को कैमरे मत लीजिए, हम लोग नहीं आना चाहते हैं। तो गैस खैर वो सब छोड़िए, हम लोग को वीडियो बनाने के लिए इजाज़त मिल गया वही काफ़ी है। और देख रहे हैं गेट के मेन गेट के बगल में ही श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर हैं और इसके जस्ट सामने में मेन मंदिर का गेट है। तो जाते हैं सामने और दिखाते हैं आप सभी को। धूप के कारण थोड़ा वीडियो में क्वालिटी कम बेसी हो रहा है, पर गैस यही है वो 100 फीट का शिवलिंग, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। उसके जस्ट सामने और एक मंदिर है मिशन मिला है, बस ये सीढ़ी तक ही, ये सीढ़ी के पास इधर जितना है चारों ओर, यहाँ से हम लोग आप सभी को वीडियो बना के दिखा सकते हैं। बट गाइस रह गया ये सीढ़ी से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूजा नहीं करेंगे और हम लोग को इधर परमिशन जाने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोग उपवास नहीं किए हैं, क्योंकि खाना पीना खा के आए हैं, तो हम लोग उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर उससे ऊपर गया तो हम लोग को मार पक्का मिलेगा जबरदस्ती करेंगे तो गाइस इससे हम लोग ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे। और वहीं से है वो शिवलिंग जो अंदर घुस के हम लोग पूजा कर सकते हैं वहाँ, तो पर वहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। कसरत जब भी आइएगा उपवास करके आइएगा और पूजा कीजिएगा, तभी आपको वहाँ तक फोटो खिंचाने का और वीडियो लेने का मौका मिल सकता है। गई तो हम लोग खाना पीना खा के आए हैं, इस करके हम लोग को वहाँ जाने के लिए नहीं दे रहा है, तो वहाँ नहीं जा सकते हैं। हम लोग यहीं से दिखाते हैं और उसको हम पीछे से कैमरा लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो गई वीडियो में कंटिन्यू बने रही है, ये मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट जरूर बताइएगा। ये रूम जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये सब रेंट रूम है, अगर दूर दूर से ये श्रद्धालु आते हैं शादी ब्याह के लिए तो वो सबको आने जाने में लेट हो जाता है, तो इस रूम को आप बुक करके रह सकते हैं, देख सकते हैं गाइस।
ये फैसिलिटी हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों को कहीं दिक्कत परेशानी ना हो। गाइस देख सकते हैं, देखते ही देखते श्रद्धालुओं का कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है चारों ओर। भूख लगा है तो अभी मंदिर के बैक साइड में आए हैं। एक ठेला लगा हुआ है, ठेला नहीं एक काफ़ी लगा हुआ ठेला, तो स्पेशल यही बनाते हैं, किसी के पास आए हैं खाने के लिए। देख सकते हैं मिल गया है छोला और समोसा है। तो गाइस इसको खा के निकलते हैं आगे, और वीडियो में आप लोग कंटिन्यू से बने रहिएगा। और ये ठेला के बगल में एक नाला है, और नाला का नाम किसी को मालूम नहीं है अभी तक, तो गाइस उसको रहने देते हैं, इधर अभी खाने पीने में ध्यान लगाते हैं। गाइस तो हम लोग का खाना पीना जो भी था वो हो गया है, पर साठ में पूरा लूटा गया। इतना साला घटिया चाट खिलाया, पूरा खराब था ना, पूरा खराब था ना, मीठा था ना, स्वादी था, बट भूख के मारे हम लोग खा लिए थोड़ा बहुत। तो गाइस देख रहे हैं मेरा चैनल का यहाँ लोगो बन रहा है, भैया बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं। अगर आप भी कुछ अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना सकते हैं। बहुत सारे यहाँ लोकेट हैं हर एक प्रकार का। और गाइस दिखने बहुत ही खूबसूरत हो रहा दिख रहा है। तो गाइस देख सकते हैं मेरा चैनल का लोगो बन के तैयार हो गया है। सामने से दिखाते हैं जूम करके, एक नंबर लग रहा है। अगर आप कभी भी आते हैं तो भैया का देख लीजिए, चेहरा पहचानिएगा, यही भैया बनाते हैं और अपने हाथों से बनाते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर बनाए हैं। तो गाइस भैया को हम पैसा देते हैं और निकलते हैं। कितना हो भैया आपका पैसा? कितना? 50। कुछ लेक्स नहीं कीजिएगा? 10। ठीक है भैया, बहुत सस्ता रेट में बना दिए हैं, 40 रुपया में, 50 हुआ था पर 10 माइनस कर दिए हैं। तो गाइस अगर आप कभी भी आइएगा यहाँ हरियर धाम, तो यहाँ ज़रूर बनवाइएगा भैया के पास। देखते हैं हर एक प्रकार का लोकेट है भैया के पास। अभी हम लोग मंदिर से बाहर जा रहे हैं, और आज का ब्लॉग वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यार। परमिशन नहीं मिला था ब्लॉग्स के लिए बनाने के लिए, बट हम लोग आप लोग के लिए वहाँ कितना रिक्वेस्ट किए, उसके बाद हम लोग परमिशन मिला ब्लॉग्स बनाने के लिए। तो गाइस आप लोग जब भी आइएगा तब पूजा कर जाइएगा, हम लोग पूजा पाठ कुछ किए नहीं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, बाय।